बैटिंग का बहुत बड़ा मिथ बस्ट करने जा रहा हूँ आज। जानना चाहते हो क्या है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड तक मतलब एंड तक। बैटिंग का सबसे बड़ा मिथ और सबसे ज़्यादा गलती जो मैंने प्लेयर्स को या कोचेस को करते देखा है वो है बैकलिफ्ट। सबको बहुत कन्फ्यूजन है बैकलिफ्ट के बारे में कि आपका बैकलिफ्ट आना कहाँ से चाहिए। कोचेस बोलते हैं, बहुत सारे कोचेस बोलते हैं कि आपका बैकलिफ्ट बिल्कुल स्टम्प्स के ऊपर से और विकेट कीपर की तरफ से आना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर्स को भी ये कन्फ्यूजन है कि हमारा बैट बिल्कुल स्टम्प्स के ऊपर से आना चाहिए, विकेट कीपर की तरफ से आना चाहिए, फर्स्ट से आना चाहिए। तो ये सारी कन्फ्यूजन आज मैं आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। आइडियली जो आपकी बैकलिफ्ट है वो फर्स्ट लिफ्ट से आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो सोचते हैं कि बैकलिफ्ट अगर हम स्टम्प्स के ऊपर से, मिडिल स्टम्प के ऊपर से लाएंगे या विकेट कीपर की तरफ से लाएंगे तो हमारी बैटिंग जो है बहुत बेटर हो जाएगी और हमारे शॉट्स बहुत बेटर लगेंगे। तो ये नोशन मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप बैट स्टम्प्स के ऊपर से लाते हैं या विकेट कीपर की तरफ से लाते हैं तो आपके बैट को डाउन स्विंग, जो आपका डाउन स्विंग है उसके लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपका बैट विकेट कीपर की तरफ से आ रहा है तो मिडिल स्टम्प और मिडिल स्टम्प या लेग स्टम्प और ऑफ स्टम्प वाली बॉल भी, ये तीनों बॉल खेलने के लिए आपका डाउन स्विंग बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो ये तीन बॉल्स खेलने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप सिर्फ खेल सकते हैं ऑफ स्टम्प के बाहर वाली बॉल्स इस वाली बैकलिफ्ट से। तो अगर मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूँ, तो अगर मेरा बैक यहाँ से जा रहा है बिल्कुल स्टम्प्स के ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल विकेट कीपर के पास से आ रहा है, अगर मैं उसको डाउन स्विंग लाने की कोशिश करूं और मिडिल स्टम्प वाला बॉल खेलने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, मेरा बैट मेरी लेग्स में स्टक कर रहा है, उसके डाउन स्विंग को बिल्कुल पाथ ही नहीं मिल रहा। उसको पाथ कैसे मिलेगा अगर मैं बैक लिफ्ट फर्स्ट लिफ्ट से ला रहा हूं? तो ये देखिए अभी मेरा नेचुरली कैसे आएगा बैट, ये मैं लेके गया, ये देखिए, ये इस बैकलिफ्ट से मैं ऑफ स्टम्प से लेके मिडिल स्टम्प, लेग स्टम्प हर बॉल खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी बैकलिफ्ट स्टम्प्स के ऊपर से आ रही है या विकेट कीपर की तरफ से आ रही है तो ना ही मैं ऑफ स्टम्प वाली बॉल खेल सकता हूँ, ना ही मैं मिडिल स्टम्प वाली बॉल खेल सकता हूँ। लेग स्टम्प वाली तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, मेरा डाउन स्विंग बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। तो ये गलती कभी मत कीजिए, आपका जो बैकलिफ्ट है वो हमेशा फर्स्ट लिफ्ट से आना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कोच बोलता है कि बेटा बैकलिफ्ट लेके आओ कीपर की तरफ से या विकेट के ऊपर से, तो उनको बोलिए सर ये चीज़ गलत है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को सही तरीका बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो यार, हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, डू इट राइट नाउ। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए, मैं उस पर ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थोड़ा सा प्यार दो यार, करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।